स्टेयरकेस के डिज़ाइन। स्पाइरल स्टेयरकेस के डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक सर्कल को क्रिएट करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करेंगे। सर्कल को क्रिएट करने के लिए सर्कल की रेडियस को हम 3 फिट रखेंगे। इसके साइड में 24 सेगमेंट हैं और इसके रेडियस को हमने 3 फिट एंटर किया है। और इसके साथ ही हम सेकेंड सर्कल को क्रिएट करेंगे जिसके रेडियस को हम 7 फिट एंटर करेंगे। ये हमारा सेकेंड सर्कल क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लाइन कमांड का यूज़ करके इस सेगमेंट से हम इस सेगमेंट तक फर्स्ट लाइन ड्रा करेंगे और इस सेगमेंट से इस सेगमेंट तक सेकंड लाइन ड्रा करेंगे। इसके बाकी पार्ट्स को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ इसे भी, इस सर्कल को भी हम डिलीट कर देते हैं। अब इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके इसका एक ग्रुप बना लेते हैं। अब हम इस पे डबल क्लिक करके इसे एक्टिव कर लेते हैं और अब हम पुश पुल कमांड का यूज़ करके इसकी हाइट को 6 इंच पुल कर लेते हैं। इस तरह ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्रिएट हो चुका है। अब हम इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे। पूरे को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके मेक ए कंपोनेंट पे क्लिक करके इसका एक कंपोनेंट बना लेते हैं और यहाँ पे हम इंटर करेंगे स्टेप। और अब हम इसे रोटेट कमांड का यूज़ करके इसकी एक कॉपी बनाएंगे। यहाँ से हम फर्स्ट क्लिक हम इसके सेंटर से करेंगे और सेकंड क्लिक हम यहाँ पे करेंगे और कंट्रोल प्रेस करते हुए हम इसे रोटेट कर देंगे यहाँ पे इस पॉइंट तक। ये हमारा सेकंड स्टेप बन करके रेडी हो गया और हम यहाँ पे इनटू 17 करेंगे। ये हमारा 18 स्टेप बन करके रेडी हो चुका है। इस पूरे को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट की को प्रेस करते हुए। ये हमने सेलेक्ट कर लिया है और सेलेक्ट करने के बाद मूव कमांड का यूज़ करके हम इसकी एक कॉपी और बनाएंगे यहाँ पे इस तरह और इनटू 17 कर देंगे इस तरह से। ये हमारा 18 कॉपी बन करके रेडी हो चुका है, यानी हमारा 18 स्टेप बन चुका है। अब हम इसमें से स्टेप को सेलेक्ट करेंगे। शिफ्ट के साथ हम इसे एक एक स्टेप को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे इसको स्टेप वाइज एक एक स्टेप करके हमने इसे सेलेक्ट कर लिया है। अब ये हमारा पूरा स्टेप सेलेक्ट हो चुका है। अब हम बाकी स्टेप को हम शिफ्ट के साथ, ये जब हमारा माउस पॉइंट प्लस माइनस शो करने लगे तो हम इसे ड्रैग कर लेंगे यहाँ पे, पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से और डेल बटन को प्रेस करके डिलीट कर देंगे। अब ये हमारा यहाँ पे ये स्टेयर केस बन करके रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसके रेलिंग को क्रिएट कर लेते हैं। रेलिंग को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इसके एक स्टेप को डबल क्लिक करके एक्टिव करते हैं। ये इस तरह से ये स्टेप एक्टिव हो गया है। लाइन कमांड का यूज़ करके हम इसे एक लाइन क्रिएट करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे 3 फिट की। ये लाइन हमारे इस पे ये ड्रा हो गई है और इस लाइन को इस लाइन से हमने मिला दिया। इस तरह ये हमारी रेलिंग बन गई। इस साइड में भी हम एक रेलिंग को बना देते हैं 3 फिट, इसे भी इंटर कर देते हैं और इसे भी हम यहाँ पे मिला लेते हैं। अब ये हमारी रेलिंग भी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर हम इस स्टेप को डबल क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे और मूव टूल का यूज़ करके नीचे की तरफ ड्रैग करके इसे इस लाइन से मिला देते हैं।
अब ये स्टेयर केस बन करके रेडी हो चुकी है। अगर हम इसमें मटेरियल फिल करना चाहें तो यहाँ विंडो से सो ट्रे को सो करेंगे और हम यहाँ पे जो भी मटेरियल यहाँ इसमें हमें भरना है, फिल करना है, हम यहाँ से इसे फिल कर सकते हैं। तो हम इसे फर्स्ट सबसे पहले अब हम इसे ग्रुप बना लेते हैं। ये ग्रुप बन गया और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से हम इस पर फिल कर दिए। अब ये हमारा स्टेयर केस कंप्लीट हो चुका है। इसे हम क्लोज कर लेते हैं और हम आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। इसे हम मूव करके अदर साइड में रखते हैं। ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। अब हम स्पाइरल स्टेयर केस को सेकंड मेथड से क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से इसके साइड को कम कर लेंगे। यहाँ से सर्कल के साइड को कम या ज़्यादा करने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस का यूज़ करते हैं। कम करने के लिए माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने यहाँ पे इसको 12 सर्कल के साइड को हमने यहाँ पे 12 सेलेक्ट किया है और इसकी रेडियस को हम इंटर करेंगे 4 फिट। और अब हम लाइन कमांड का यूज़ करेंगे। लाइन कमांड से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे यहाँ और इस सेंटर पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला देते हैं और एक्स्ट्रा लाइनों को अब हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं। इसका हम स्टेप क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम इसका एक ग्रुप बना लेते हैं। डबल क्लिक करके इसको हम मेक ए ग्रुप और इसे एक्टिव करेंगे। एक्टिव हो गया। पुश पुल कमांड से हम इसे 6 इंच यानी इसके हाइट को हम 6 इंच पुल कर लेंगे ऊपर की तरफ। अब हम इसे इसका कंपोनेंट बना लेते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया और मेक ए कंपोनेंट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे हम इसके नाम को एंटर कर देते हैं स्टेप फर्स्ट। ये स्टेप क्रिएट हो चुका है। अब हम इसे इस पूरे को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट हो गया और रोटेट से हम इसे रोटेट करके एक कॉपी और बनाएंगे। प्लस कंट्रोल को प्रेस करते हुए हम इसे रोटेट कर लेते हैं यहाँ पे। इस तरह ये रोटेट हो चुका है और जो सर्कल हमने क्रिएट किया था उस सर्कल में 12 साइड थे इसलिए हम इंटू 11 इंटर कर देते हैं। ये हमारा 11 स्टेप यानी 12 स्टेप क्रिएट हो चुका है। हम इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे। पूरे स्टेप को हमने सेलेक्ट कर लिया और मूव कमांड का यूज़ करके हम इसे इसकी एक कॉपी और बनाते हैं। इस तरह ये एक कॉपी और बन गई और अब हम इसे इंटर करेंगे इनटू 11। ये 11 कॉपी बन गई। चूँकि इस सर्किल के साइड में हमने 12 सेगमेंट सेलेक्ट किया था इसलिए इसकी 12 कॉपी को हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। अब हम यहाँ पे स्टेप को सेलेक्ट करेंगे। इस फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम यहाँ पे इस पूरे स्टेप को 1 by 1 करके सेलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट को प्रेस करते हुए अब ये हमारा स्टेप सेलेक्ट हो चुका है। अब हम एक्स्ट्रा स्टेप को डिलीट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट को प्रेस करते हुए और डेल प्रेस कर देते हैं।
अब ये हमारा स्टेप बन करके रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम 2.5 इंच का एक सर्कल क्रिएट करेंगे। ये सर्कल क्रिएट हो चुका है और इसे पुश पुल कमांड का यूज़ करके अब यहाँ पे हम इसकी रेलिंग को क्रिएट कर लेते हैं लाइन कमांड का यूज़ करके। सबसे पहले इस स्टेप को एक्टिव करेंगे और लाइन कमांड से हम इसमें एक लाइन क्रिएट करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे 3 फिट और इसे हम यहाँ पे मिला देते हैं। अब ये हमारा स्टेप बन करके रेडी हो चुका है इस तरह से। यहाँ पे इसके अंदर टोटल 12 स्टेप हैं और इसे हम इसके बराबर कर लेते हैं। ये हमारा स्टेप बन करके अब रेडी हो चुका है। अब हम इसमें मटेरियल फिल करना चाहें तो यहाँ पे विंडो में जाएं, ट्रे को शो करें और यहाँ पे और एक बार फिर यहाँ पे इसको इस पूरे को ग्रुप बना लेते हैं। ये ग्रुप मेक ए ग्रुप, ये हमारा ग्रुप बन गया और यहाँ से इस मटेरियल को फिल कर देते हैं। इस तरह ये हमारा मटेरियल फिल हो गया है और ये स्पाइरल स्टेयरकेस क्रिएट हो चुका है। मूव कमांड से इसे हम मूव कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारा स्पाइरल स्टेयरकेस क्रिएट हो चुका है। आई होप कि वीडियो आपके समझ में आ गई होगी।